नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम आपको लाइव आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बायोमेट्रिक के माध्यम से CSE के माध्यम से आप समग्र EKYC आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं बता रहा हूँ, ये ओपन वीडियो करके बता रहा हूँ ताकि वहाँ पर आपको डिवाइस भी दिखे। इसके लिए आपको जो है किसी ब्राउज़र पर CSE की ID यहाँ पर लॉगिन कर लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, और EKYC सर्च कर देनी है। EKYC सर्च करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपका नाम आएगा, CSE ID आएंगी, और उस व्यक्ति का यहाँ पर ID आपको डालना है जिस व्यक्ति का आपको EKYC करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उस व्यक्ति का जो है यहाँ पर ID डाल दिया है, और ID डालने के बाद यहाँ पर आपको कैपिटल अक्षर में आपको कैप्चा यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो दोस्तों इस माध्यम से आप बहुत ही तेज़ी से जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से आप EKYC कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है, और उस स्थिति में आप बायोमेट्रिक का सहारा आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अभी जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला गया है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर हम डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डिवाइस, क्योंकि अलग अलग जो है ब्राउज़र पर अलग अलग डिवाइस कनेक्ट होती है, जैसे मैंने कुछ देर पहले दूसरे लैपटॉप पर किया था तो वहाँ पर मार्फो डिवाइस भी चल रही थी, बट मेरे जो 7 वाले जो विंडोज़ में PC में जो है मंत्रा की डिवाइस ही और स्टार्टेक की डिवाइस ही काम कर रही थी। अब यहाँ पर आपको जो है उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है जिसका आपको EKYC करना है। दोस्तों आपको जो है ID चेक करके ही उस व्यक्ति का आधार कार्ड डालना है, किसी और की ID में किसी और का आधार कार्ड आपको फीड नहीं करना है, ऐसे में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मंत्रा सेलेक्ट किया है, लेकिन अगर आपके पास 10 है तो आपको यहाँ पर मार्फो का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ये लाइट जल गई है, और मैंने जो है जिस यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक रख दिया है। अब ये प्रोसेस होने के लिए थोड़ा समय लेगा, और ये देखिए कुछ प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर नीचे एक ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाएगा, तो इससे जो है बायोमेट्रिक इनका अटैच हो जाएगा, और इससे जो है दुगनी रफ्तार से जो है काम होता है। तो देख सकते हैं फिंगर बायोमेट्रिक नहीं आया, तो मैंने फिर से जो है बायोमेट्रिक के लिए दे दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। देखिए इनका जन्म तारीख, इनका नाम, इंग्लिश में नाम भी सुधारना है और हिंदी में नाम भी हमें इनका सुधारना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो यह कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आपको व्हाट्सअप के जरिए उनका हिंदी नाम करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से उनकी आप KYC कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अन्य लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी बायोमेट्रिक के माध्यम से कैसे KYC कर सकते हैं ये सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।